आज हम कैलाइडोस्कोप बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी ये तीन जो है प्लेन मिरर है जिसको समतल दर्पण बोलते हैं, और एक एक कागज है, हमने थोड़ा काट दिया है, इस पे ABC हमने लिख दिया है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान है बनाना। तो हम बनाना शुरू करते हैं, इन तीन प्लेन मिरर को हम आपस में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? जैसा त्रिकोण होता है, ट्राइंगल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक टेप को रखेंगे नीचे, ठीक है, और उस टेप को इस ये जो तीन प्लेन मिरर हैं जिसको समतल दर्पण बोलते हैं उसको इस पे हम क्या करेंगे, चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे? एक बिल्कुल बराबर चिपकाना है, दो और ये आपका हो गया, हमने इक्वल चिपका दिया है। अब इसको हमने क्या करना है, फोल्ड करना है। तो फोल्ड करके देखते हैं, चिपक गया, ठीक है। अब इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। ये हमने एक प्लेन पेपर ले लिया है, इस पर ABC लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, और रंगीन कलर से हमने लिखना है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर इसको प्लेस कर दिया, और जहाँ पे हमने ABC लिखा है वो यहाँ से हमें दिखना चाहिए। इसको कवर करते हैं, ये हमने इसको इसके ऊपर प्लेस किया था, और ये चारों तरफ से हमने कवर कर लिया है। एक साइड इसकी खुला रहेगी, एक साइड इसकी बंद रहेगी। हम चाहे तो इसके बाहर से डिजाइन देने के लिए इस पे कुछ बॉक्स लगा सकते हैं, या पूरा इसको कवर कर सकते हैं जिससे बाहर से भी आकर्षित दिखे। ये हमारा कैलाइडोस्कोप तैयार हो गया है, जो आप भी इसको देख सकते हैं। इसके अंदर कितना शानदार डिजाइन दिखाई दे रहा है, आप भी इसको घर में बना सकते हैं। इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें हो रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तीन दर्पण है, इसमें तीन दर्पण जो लाइट क्या कर रही है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है। जो हमने एक साइड इमेज बनाई है उसको क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ दे रही है, यहाँ से यहाँ पे दे रही है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन बार बार हो रहा है, जिससे हमें बहुत सारी इमेज दिखाई दे रही है।